कैप्टन अमरिंदर सिंह वाले पासे भी मूँह कर लिया मुख्यमंत्री भगवंत मान। पहला सबका मुख्यमंत्री चन्नी वाले पासे कहिंदे अंसारी नाल दसो तुहाडे रिश्ते की है। चन्नी दे परौठे गिणदा सी किन्ने, फिर एक खिडारी नूं नौकरी देनी सी। अंसारी दा खानदान तुहानूं पता किड्डा वड्डा, उह विधायक रिहा ते उहदे नाल कोई मिल लू, उह कोई पंथ च छिक्किआ होइआ, उहनूं मिलणा की गनाह? जे मिल ले जदों कोई गनाह नहीं, फिर तेरे प्रचार दा की फायदा? वक्फ बोर्ड की जमीन दब के लै गया वास अंसारी, कहते नाल ही मिले भुगत हुए थे जिहड़े रजा खान सी उत्थों बाहरों ला के लाती सी चेयरमैन, उन्होंने फायदा ही बड़ा दिता अंसारी के पुत्र नूं जिन्हें बहुत लुटिया। कांग्रेस का तो यह कहते होंगे कैप्टन जदों मुख्यमंत्री बनया नीला महल नूं रंग नहीं कराउण जोगे पैसे से, मुड़ के किन्नियां जायदादां छडालियां मुख्यमंत्री बनया, सब ने लुटिया। वक्फ बोर्ड दीआं जमीनां तां बहुत ने लुटियां ने, इन्हां ने भी लुटियां होणगीआं, कोई रौला नहीं। तुसी कोठी दबण दा की कर लिया जी, जगराओं कोठी दबी आ ना, तुसी तां हले शुरू कीता ना। हुण इह कहिंदा पैसे वसूलण दी गल, पहला तां कहिंदा सी दिंदे नहीं, हुण कहिंदा देणे तां पैणगे, फिर मुड़ के कहिंदे कानूनी नोटिस भी देता। मतलब वह चन्नी वाली 2 करोड़ मंगे दी फलाने दी उहदी कोई FIR है जी ना, उहदे परौठिआं दा कोई हिसाब किताब आ? इहदे परौठे उदों ज़्यादा वध गए, 55 लाख की है जी। हवाई जहाज के जिहड़े झूठे दवा रहा केजरीवाल नूं, उह ते किहड़ा खर्च हो रहा? ते पंजाब की सिक्योरिटी आ जिहड़ी दिल्ली वालिआं नूं दित्ती हुई आ, केजरीवाल नूं दित्ती हुई आ, उह किहड़ा इंट्रस्ट आ जी पंजाब दा पब्लिक ते लोकां दा? इह तां कहिंदा सी जिन्हां दे कोल इन्नी सिक्योरिटी आ मुर्गी खानी खोल लैण। मुद्दा बड़ा भखिया होया, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाले पासे भी मूँह कर लिया मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। पहला सबका मुख्यमंत्री चन्नी वाले पासे कई मुद्दों से घेरन की कोशिश की, गल तण पत्तन किसी मुद्दे नहीं लगी। हुण कैप्टन वाले पासे आए, कहिंदे अंसारी नाल दसो तुहाडे रिश्ते की है। कैप्टन साहब कहिंदे एक TV चैनल पर मैं तो कदे मिलिया नहीं, वो कहिंदे फिर अपने पुत्र राणेंद्र नूं पुछ के देख लिओ मिलदा रहा कि नहीं मिलदा रहा, जिहड़े पैसे लगे आ केस लड़न दिओ वी असीं वसूलने आ तुहाडे। तुसीं मैनूं इह दसो जी, ये भगवंत मान का कोई मुद्दा हुण तक सिरे लग्या? चन्नी दे परौठे गिणदा सी किन्ने, फिर एक खिडारी नूं नौकरी देनी सी, फिर ऑपरेशन लोटस की जाँच कराई सी, शिकायत दित्ती सी, फिर लारेंस बिश्नोई दीआं इंटरव्यूआं होईआं सी। अंसारी का खानदान तुहानूं पता किड्डा वड्डा, उहदी बैकग्राउंड पिछली की आ? वह विधायक रहा ते उहदे नाल कोई मिल लू, वह कोई पंथ च छिक्किआ होइआ जां क्यों नहीं मिलिआ जा सकदा जी? उहनूं मिलणा की गनाह? पहली गल, जे मिल ले जदों कोई गनाह नहीं, फिर तेरे प्रचार का की फायदा? वो कहिंदे नाले वक्फ बोर्ड की जमीन दब के लै गया वास अंसारी, कहिंदे नाल ही मिले भुगत हुए थे जिहड़े रजा खान सी उत्थों बाहरों ला के लाती सी चेयरमैन, उन्होंने फायदा ही बड़ा दिता अंसारी के पुत्र नूं। देखो हुंदा लुटिया जिन्हें बहुत लुटिया, कांग्रेस का तो यह कहते होंगे कैप्टन जदों मुख्यमंत्री बनया भी नीला महल नूं रंग नहीं कराउण जोगे पैसे से, मुड़ के किन्नियां जायदादां छडालियां मुख्यमंत्री बनया, सब ने लुटिया। वक्फ बोर्ड दीआं जमीनां तो बहुत ने लुटियां ने, इन्हां ने भी लुटियां होणगीआं, कोई रौला नहीं। पर जिहड़े तुसीं कोठी दबण दा की कर लिया जी, जगराओं कोठी दबी आ ना, एक गैंग नंगा होया ना आम आदमी पार्टी का, तुसीं तां हले शुरू कीता ना, तुहाडा की हो गया जी? तुसीं उह राह दे राही है नहीं। लारेंस बिश्नोई नूं इन्नी सरप्रस्ती किवें मिल गई पंजाब दे विच, तुसीं इह दसो। फिर गल्लां तां दोवें माड़ियां ना, जमीन किसे ने भी दबी होवे किसे भी धिर ने, कारवाई होनी चाहिए। ठीक है, कारवाई होनी चाहीदी आ। हुण इह कहिंदा पैसे वसूलण दी गल, पहलां तां कहिंदा सी दिंदे नहीं, हुण कहिंदा देणे तां पैणगे, फिर इक वर्का जिहा कहिंदा कानूनी नोटिस आ जी, उह कोई कानूनी नोटिस नहीं। जदों लोकां ने कहा भी तैनूं अकल है नोटिस की हुंदा, फिर मुड़ के कहिंदे कानूनी नोटिस भी देता। मतलब वह चन्नी वाली 2 करोड़ मंगे दी फलाने दी उहदी कोई FIR ही नहीं, ना उहदे परौठिआं दा कोई हिसाब किताब आ? इहदे परौठे उदों ज़्यादा वध गए। हवाई झूठे ये मैं कहना पिरत पा दे वसूलण दी, मैं तो कहना चंगी गल आ, ते फिर ये तो जो वसूली होगी हनुमान की पूछ वांगू वधणगे। प्रताप सिंह बाजवा ने तो कल बीते दिन कह दिता कि 1.25 करोड़ तुसीं लाता सी, उह सरकार की सहुं चुकण तो पहलां भी 13 मार्च नूं अमृतसर रैली कीती इहनां ने, उहदे च कहिंदे सरकारी बसां की वरतों हुई, उह भी पैसे जमा कराओ। नहीं, बहुत सारे मसले ने, मैं कहना तुसी देखो सरकारां गलतियां करदियां ने, उन्हां दा गलतियां दे खिलाफ तुसी बोलो तुहाडा हक आ, पर तुसी जिहड़े मुद्दे ने पंजाब दे उहनूं भुलाउण खातर सगूफे छड रहे हो। 55 लाख की आ जी, जे मन लो आपां 55 लाख खर्च कीता, ये दसे ना भी हवाई जहाज के जिहड़े झूठे दवा रहा केजरीवाल नूं उहते किहड़ा खर्च हो रहा, उत्थे किहड़ा पब्लिक इंट्रस्ट आ, ते पंजाब दी सिक्योरिटी आ जिहड़ी दिल्ली वालिआं नूं दित्ती हुई आ केजरीवाल नूं दित्ती हुई आ, उह किहड़ा इंट्रस्ट आ जी पंजाब दा पब्लिक ते लोकां दा? मतलब ये
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਲੀਹ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਮੁਰਗੀਖਾਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕੱਚ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹ ਸੁਰਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨੇ ਗਣਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੌਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੌਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣ ਜੂ, ਨਾ ਉਹ 'ਚ ਲਾਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਫੇਰੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ। ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ, ਗਾਹਾਂ ਪੁੱਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ, ਪੇਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫੇਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡਲੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਂ ਕਹਿਤਾ ਬੋਲ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹੀ ਜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੱਡੀ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਆਹ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧੋਖਾ ਪਚੜਾਵਾ।